अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान पेंटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग यहां पर देख ही रहे हैं आप इस डिज़ाइन को। मैं आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में इसकी पेंटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग अगर इसकी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और इसकी बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर पहले हमें फ्लावर के डार्क को बना देना, लाइनिंग कर देनी इस तरह से, 4 नंबर या 2 नंबर के राउंड ब्रश से जो भी आपके पास है उसे आप इसकी लाइनिंग कर लें पहले। और उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पेंटिंग करना सीख पाएँ। तो इसी तरह से हमें छोटे लीफ की पेंटिंग कर देना है, सैफ ग्रीन को लगा देना और इसमें कोई भी कलर को ऐड नहीं करना है, बस यहाँ पर सैफ ग्रीन को ही लगाना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अगर आप लोग आप पे इसकी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल ना करिएगा। बहुत ही आसान पेंटिंग है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग लेकर आई हूँ। तो सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस ऐसे ही हमें एक साइड में हमें सैफ ग्रीन को लगा देना है और थोड़ा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ी खाली जगह छोड़ देना है, जहाँ पर फिर हमें लेना वाइट कलर। और वाइट कलर को हमें इस तरह से लगाते हुए दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। पहले हम वाइट कलर को लगा देंगे। वाइट कलर को लगाने के बाद अब हम कलर को दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक कलर अच्छे से मिल ना जाए तब तक हमें इस तरह से ब्रश को हिलाते हुए कलर को मिलाना है। तो यहाँ पर कलर मिल चुका है, अब हमें यहाँ पर एक लाइनिंग खींच देना है, बीच में आउटलाइन कर देना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिप की पेंटिंग इस तरह से हमें लिप की पेंटिंग करना है, बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है। अब मैं छोटे लिप की पेंटिंग आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो पहले हमें नीचे से सैफ ग्रीन को इस तरह से लगाना है और ऊपर की तरफ कॉर्नर पर थोड़ी खाली जगह हमें छोड़ देना है इस तरह से, आप देख सकते हैं। एक साथ मैं 3 लिप की पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ऊपर से अब हमें यहाँ पर लगाना है डीप ब्राउन पर्पल, ऊपर से जहाँ पर खाली जगह छूटी हुई वहाँ पर हमें इस वाले कलर को लगाना है और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं। तो आप इसकी पेंटिंग अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पेंटिंग समझ में आए, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पेंटिंग नहीं समझ में आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी से पेंटिंग करना पाए, आप इसकी पेंटिंग आसानी से कर पाएँ। तो इस तरह से हमें लीप के बीच में एक आउटलाइनिंग कर देना है। तो इसी तरह से हमें सारे लीप की पेंटिंग कर देना है, बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में इसकी पेंटिंग हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप वीडियो को ऑन करके सामने रखकर आप पेंटिंग करेंगे तो आपके लिए और भी आसान होगा। आप वीडियो को ऑन कर लें और सामने रख के आप मेरे साथ पेंटिंग करें ताकि आपको पेंटिंग करने में आसानी हो। जैसे जैसे मैं पेंटिंग करती जाती हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं, जिससे आपको पेंटिंग करने में बिल्कुल भी नहीं मुश्किल होगी और आपकी पेंटिंग अच्छे से हो पाएगी। तो अब मैं फ्लावर की पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें लेना है डीप ब्राइट पर्पल और इस तरह से लगाना है और ऊपर की तरफ खाली जगह छोड़ देना है। हमें इस तरह से पहले आउटलाइन कर देनी है और हमें कलर को फैला देना है। फिर हमें यहाँ पर लेना है मैरून कलर और थोड़ा सा हमें मैरून कलर को लेना है और इस तरह से नीचे की तरफ मैरून कलर को लगाकर ऊपर की तरफ फैला देंगे। और यहाँ पर भी हमें मैरून कलर से आउटलाइन कर देनी है और ऊपर की तरफ फैला देना इस तरह से।
और ऊपर जो खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पर हमें लेना है, यहाँ पर लगाना है वाइट कलर। इस तरह से हम वाइट कलर को लगाएंगे और दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप कलर को अगर मिलाना सीख जाएंगे, मिक्स करना सीख जाएंगे तो आप पेंटिंग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और आपकी पेंटिंग बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। आपको पेंटिंग आ जाएगी बहुत जल्दी। आप अगर कलर को मिलाना सीख जाएंगे तो आप जब भी कलर को मिलाए अच्छे से मिलाए ताकि कलर अलग ना दिखे, एक में अच्छे से मिल जाए। जब तक कलर को अच्छे से मिला ना ले तब तक ब्रश को इस तरह से हिलाते रहें। तो इस तरह से हम कलर को मिला देंगे। अब मैं इस तरह से हमें इस वाले लिप की पेंटिंग कर देना है, डीप रॉयल पर्पल लगाना है। तो यहाँ पर इसकी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है इस वाली लीव की। अब मैं जो नीचे वाली लीव है, दो पंखुड़ी है, उसकी पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उसी तरह से हमें इसकी भी पेंटिंग करना है, डीप रॉयल पर्पल लेना है। और आप ध्यान से पेंटिंग करें कि जब डीप रॉयल पर्पल कलर लगा रहे हो तो जो दूसरी पंखुड़ी है वाइट कलर पे डीप रॉयल पर्पल न जाए, संभाल के लगाएँ। तो इसी तरह से हमें ऊपर से मैरून कलर को लगा देना है। आप संभाल के लगाएं ताकि कलर वाइट कलर पे ना जाए। अगर वाइट कलर पे चला जाएगा तो पेंटिंग बेकार हो जाएगी। तो आप संभाल के लगाएं। तो इसी तरह से हमें इसकी पेंटिंग कर देना है। बहुत ही आसान पेंटिंग है और फ्लावर भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी पेंटिंग करके आप दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पेंटिंग ज़रूर समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको पेंटिंग समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हमें वाइट कलर से पहले आउटलाइन कर देनी है, ताकि कलर इधर उधर ना जाए। पहले आउटलाइन करके तभी आप अंदर की तरफ वाइट कलर को फैलाएं, दोनों कलर को अच्छे से मिक्स करें। अगर वाइट कलर को आउटलाइन किए हुए बिना किए हुए आउटलाइन आप कलर को मिलाएंगे, कलर को लगाएंगे तो कलर बाहर भी जा सकता है। इसलिए जब भी आप कलर को लगाएं तो पहले आउटलाइन कर दें। जैसे हमारी फ्लावर की ड्राइंग हुई है उसी तरह से आप पंखुड़ी में पहले वाइट कलर से या किसी भी कलर में अगर आप आउटलाइन कर रहे हो किसी भी कलर से तो पहले आउटलाइन कर लें, तब जाके आप कलर को अंदर की तरफ फैलाएं और दोनों कलर को अच्छे से मिलाएं। तो इसी तरह से हमें इसकी पेंटिंग कर देना है। तो अब मैं जो छोटी सी कली है उसकी पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश से इसकी पेंटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इसकी पंखुड़ी बहुत ही छोटी है, इसलिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रश से इसकी पेंटिंग कर रही हूँ। तो अगर आप भी कर नहीं पा रहे हैं फ्लैट ब्रश से तो आप भी राउंड ब्रश से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डीप रॉयल पर्पल लगाना है और जहाँ जहाँ पर वाइट कलर लगाना है वहाँ पर खाली जगह छोड़ देना है। तो डीप रॉयल पर्पल लगाने के बाद हमें यहाँ पर लेना है मैरून कलर। मैरून कलर को इस तरह से हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से मैरून कलर को लगाएंगे और दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है वाइट कलर। वाइट कलर को लगाकर हम दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी पेंटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पेंटिंग कैसे हुई। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है इसकी। और इसकी डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसकी डिज़ाइन कैसी लगी, इसकी पेंटिंग कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इस डिज़ाइन की जब पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो और भी प्यारा दिखेगा। तो आप अगर इसकी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पेंटिंग अच्छे से समझ में आए। और फिर मैं यहाँ पर एक फ्लावर को दूसरे कलर में इसकी पेंटिंग कर रही हूँ, इस वाले फ्लावर की। तो ऑरेंज कलर पहले लगाना है और फिर ऊपर से हमें रेड कलर को लगाना है। आप चाहे तो एक ही कलर में आप पे इस डिजाइन की पेंटिंग कर सकते हैं, एक फ्लावर को एक ही कलर में पेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो दो कलर में भी पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ्लावर को दूसरे कलर अलग के कलर से पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिससे आपको पेंटिंग करने में आसानी हो। अगर आपको इसमें से कोई भी कलर नहीं पसंद है तो आप दूसरे कलर से भी इस फ्लावर की पेंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो कलर में इस फ्लावर की पेंटिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप चाहे आप जैसे पसंद हो, आप चाहे तो एक ही कलर में इस पे पूरे डिजाइन की पेंटिंग करें, पूरे जितना भी फ्लावर है आप एक ही कलर में पेंट करें। अगर आप चाहे तो दो भी कलर में पेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको जैसे पसंद हो तो उस तरह से आप इसकी पेंटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें कलर को अच्छे से लगाकर दोनों कलर को अच्छे से मिला देना है। पहले हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर को इस तरह से पहले आउटलाइन कर देनी है। आउटलाइन करने के बाद कलर को इस तरह से फैला देना है। और फिर हमें यहाँ पर लेना है रेड कलर, हमें यहाँ पर रेड कलर को लगाना है। थोड़ा सा हमें रेड कलर को लेना है और इस तरह से फैला देना है। हमें ऑरेंज कलर पे रेड कलर को लगाना है। और जो खाली जगह छूटी हुई वहाँ पर हमें व्हाइट कलर को लगाना है इस तरह से। पहले आउटलाइन कर देनी है। इस तरह से पहले आउटलाइन कर देंगे और फिर दोनों कलर को अच्छे से मिला देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले फ्लावर का कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। दोनों फ्लावर के कलर बहुत ही प्यारे हैं। तो इसी तरह से आप इसकी पेंटिंग कर सकते हैं। आप बहुत ही कम टाइम में इसकी पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान पेंटिंग है और बहुत ही सिंपल से डिजाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं, सूट पे भी डाल सकते हैं, साड़ी पे भी डाल सकते हैं, दुपट्टे पे भी आप डाल सकते हैं, इसकी पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी पेंटिंग है, बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप इस डिज़ाइन को दुपट्टे या साड़ी या सूट पर डालेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी पेंटिंग करना आ जाएगा। तो मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और मेरी पेंटिंग और इसकी डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखो पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है, आप इस डिज़ाइन को साड़ी सूट दुपट्टे पर डाल सकते हैं या किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं आप। तो किसी भी चीज़ पे इस डिज़ाइन की पेंटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी पेंटिंग कैसे हुई। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए पेंटिंग डिज़ाइन के साथ। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।